मेरे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं ड्यूटी से फायर हो गया हूँ। अरे सोना का छोड़ो, दो वक्त का रोटी भी मिलने का भरोसा नहीं है कि मैं अपने गांव की परंपरा तोड़ देती हूँ। मेरे पास एक गुड न्यूज है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। मम्मा एक आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम। आइसक्रीम बेच रही थी, उसका इतना साहस कि वो गांव में बेचे, वो भी बिना सरपंच की इजाजत के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नटखड़ी सुहानी। देखिए सरपंच जी मानते होंगे पर मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती हूँ। क्या हो गया कविता जी, क्या हो गया? तो शोर आ रहा था। और ये लोग कौन है? ये दोनों स्त्रियाँ यहाँ पे आए थे आपसे शिकायत करने के लिए। शिकायत? किसका शिकायत? नमस्ते सरपंच जी, हम इसी गांव की महिला है। वो हमारे गांव में एक औरत है, हेमराज की पत्नी है। आपको तो हेमराज के बारे में पता ही होगा। वो उसकी पत्नी का नाम है मीनाक्षी। वो गांव में काम कर रही है। क्या, हेमराज की पत्नी काम करती है? किस चीज का काम करती है वो? वो आइसक्रीम बेच रही है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या लगती है, ये तो होना नहीं चाहिए। मैंने पिछले ही तो पंचायत में बोला था कि कोई औरतें काम नहीं करेंगी, तो ये ऐसे कैसे साहस करके काम कर सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो मैं कल गांव का पंचायत बिठाता हूँ, कल आ जाना सब, और आपका भी समस्या दूर हो जाएगा। अब आप जा सकते हैं। सुनिए, कल पंचायत तो है, बट आप एक बार सोच के तो देखिए, औरतें अगर काम करेंगी तो हमारे तो गांव आगे बढ़ेगा। देखो रूल्स आर रूल्स, ये गांव के लिए यही रूल है। अब मुझे इस चीज के बारे में बात नहीं करना है, कल देख लेंगे पंचायत में क्या होगा। जाओ तुम, मेरे लिए खाना बनाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। देखना कल आएगा मजा पंचायत में। देखा, सरपंच अपनी पत्नी का नहीं सुनता है, वो मीनाक्षी का क्या सुनेगा। चल चल चलते हैं, कल मजा लेंगे। हाँ। चलो घर आ गए, कितना थक गई हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, पर इतना मेहनत करने के बाद में भी कोई ग्राहक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी तो स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, चिंता करने की क्या बात है। अरे भाभी जी आ गई, आइए आइए बैठिए, आज ना मैंने खाना बना दिया था। अरे आपको बनाने की क्या जरूरत थी, मैं बना लेती। अरे नहीं नहीं भाभी, आप दो दो काम एक साथ कैसे संभालेंगी, और वैसे भी आज भैया का मूड अच्छा नहीं था। अच्छा हुआ मैंने उनके पहले खिला दिया, अब वो आराम कर रहे हैं। अच्छा तुमने पहले ही खाना बना दिया, नहीं तो अभी गुस्से में होते। तुम्हारे ना भैया एक नंबर के मूडी इंसान है। चलो जल्दी से जाके थोड़ा आराम करती हूँ। मीनाक्षी तुमने क्या कर दिया? क्या हो गया? क्या हो गया, तुम नाटक क्यों कर रही हो, जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। देखिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ, किस बारे में बात कर रहे हो मुझसे। अच्छा बता ही देता हूँ, कल सरपंच जी ने पंचायत बुलाया है। कल सरपंच जी ने पंचायत बुलाया है, तो इसमें मैं क्या करूँ? अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि सरपंच जी ने पंचायत तुम्हारे नाम पे बुलाया है। क्यों क्यों, सरपंच जी ने मेरे तो पंचायत बुलाया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया क्या, अब भी तुम यही बोलना चाहती हो? तुमने बहुत कुछ कर दिया है, हमारे गांव का रूल तोड़ा है। हमारे गांव में बोला हुआ था कि लड़कियां काम नहीं करती, स्त्रियां काम नहीं करती, पर तुमने काम किया। अब बोलो, अब तुमने कोई गलती नहीं किया? अच्छा मेरे साथ सभी लोग हैं, मैं लड़ सकती हूँ सरपंच से पंचायत में। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, भाभी के साथ एनजीओ है, वो उनकी मदद जरूर करेंगे, आप चिंता मत करो। कैसे चिंता मत करो, एक काम करता हूँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, चले जाता हूँ मैं ऊपर, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। भाभी जी आप चिंता मत कीजिए। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे पता था कभी ना कभी तो गांव वाले मेरे विरुद्ध जरूर जाएंगे, और मैं देख चुकी हूँ। मुझे पता है कि दोनों भाभी ने ही ये सब किया होगा। चलो कल मैं लड़ना जानती हूँ, एनजीओ वाली दीदी मुझे जरूर हेल्प करेगी, स्वीटी मेरी हेल्प जरूर करेगी, कल ही वो आ रही है। तो गांव के निवासियों, आप सभी को पता है कि हमने ये पंचायत क्यों बुलवाया है? हाँ, जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस शांति शांति शांति। अच्छा तो आप सभी को पता है कि हमारे गांव पालमपुर में नियम और कानून कितना जरूरी है, और हमारे गांव में नियम को कोई तोड़ नहीं सकता, पर हेमराज की पत्नी मीनाक्षी ने तोड़ा है। तो इसलिए हमने ये पंचायत बुलवाया है
कि हम आप सभी का समस्या दूर करें, क्योंकि कोई भी औरतें हमारे गांव में काम नहीं कर सकती, ये हमारे नियम में से एक नियम है। तो वो दो औरत कौन थी जो हमारे पास आए थी? सरपंच जी हम थे। अरे तू बोलना। हम थे, हम दोनों ही थे। जी सरपंच जी हम भी थे। ये दोनों महिलाएं हमारे पास ये समस्या लेके आई थी, और धन्यवाद कि आप ये समस्या हमारे पास लेके आई थी तो हमें समझ आया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आज हम इस समस्या को समाधान करेंगे। तो कहाँ है हेमराज और मीनाक्षी? आ जाइए। हेमराज सामने आओ। अरे अरे नमस्ते सरपंच जी। शांति। सब शांत हो जाइए। शांत बेटा। देखो हेमराज, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्यों किया? बताओ, आज गांव के सामने बताओ कि तुम्हारी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, हमारा नियम क्यों तोड़ा? अरे सरपंच जी, मैं तो खुद परेशान हूँ मेरी पत्नी से। मेरी पत्नी तो सुनी नहीं रही है। मैंने उसे बोला था कि तुम काम मत करो, पर उन्होंने मेरी कुछ सुनी ही नहीं। अरे अरे पत्नी ने नहीं सुना। शांत हो जाइए सब लोग। अरे वो तो गिर गए लोटपोट हो गए। अरे 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 मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है, चलो बैठ जाती हूँ। मैं तो हंस हंस के गिर गई। शांत बैठना, क्या आवाज कर रही है तुम? सॉरी सॉरी। कैसे मर्द हो तुम, समझ नहीं आता? पत्नी ने और बोल दिया और तुम नहीं सुन पाए। मुझे बोलते, मैं गांव का सरपंच हूँ, मैं कुछ बोलता? देखो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो तुम्हारी बीवी को मना कर दो कि वो काम नहीं कर सकती, नहीं तो हम तुम्हें गांव से फिकवा देंगे। अरे साहब मेरी क्या गलती, मैं तो फायर हो गया था। काम से फायर हो गए थे तो मुझे बोलना चाहिए था। अरे ऐसे तुम्हें 3-4-5 हजार दे देता मैं। वो घर पे कोई राशन नहीं था, कुछ नहीं था, और हमें बहुत डर लग रहा था कि कुछ हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ब्याज कैसे लौटाएंगे, इसलिए हमने कोई उधार नहीं लिया। मैं काम पे लग गया और इसलिए मेरी पत्नी ने काम शुरू किया। अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ अपनी पत्नी को बुलाओ। मीनाक्षी तुम इस पंचायत की दोषी हो, तुम्हें कुछ बचाव करने के लिए तुम्हें खुद के लिए बोलना है, तुमने नियम तोड़ा है। पंचायत में जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है उनको मेरे तरफ से प्रणाम। तो मैं बोलना चाहती हूँ, हाँ सरपंच जी मैं मानती हूँ कि मैंने आपका नियम तोड़ा, पर ये नियम मैंने अपने भलाई के लिए तोड़ा, मैंने अपने घर के लिए तोड़ा, किसी मजबूरन में आने के लिए तोड़ा। और मुझे तो फक्र है कि मैंने ये नियम तोड़ा, क्योंकि इस नियम को तोड़ के मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हुई है, उल्टा मुझे तो गर्व हो रहा है कि मैं कुछ काम शुरू की। ये तुम क्या बात कर रही हो, जबान संभाल के बात करो। अच्छा सुनिए, मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ बुरा भी तो नहीं किया है? अगर पति के पास कुछ नहीं है, काम चले गया, तो घर को चलाने के लिए मन में जल्दी से क्या सुझाव आएगा? ये आएगा ना कि घर कैसे ना कैसे तो करके चलाए और कुछ ना कुछ तो पैसे घर पे आ जाए, दो वक्त की रोटी के लिए तो कम से कम। देखिए आप अभी कुछ मत बोलिए, आप अब शांत रहिए। मीनाक्षी ने जो अभी कहा, इनके स्टेटमेंट को कोई सपोर्ट करना चाहता है? तुम कर रही हो क्या? नहीं, इसको कौन करता है सपोर्ट? तुम? अरे इसको कौन करता है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं करने वाले। नहीं, इसको कौन करने वाला है? आप सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं। देखो तुम एक पूरी तरह दोषी हो, क्योंकि इनमें से कोई भी एक इंसान तुम्हें सपोर्ट कर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है वो कुछ कहना चाहते हैं कि इनके साथ क्या किया जाए? ये गांव के रहने के लायक नहीं है। निकाल दो इनके घर से, निकाल दो। अरे हाँ निकाल दो, इन देशरम औरत को कौन रखेगा हमारे गांव में? ये लोग जाके क्या लायक नहीं है यहाँ पर। हाँ ये यहाँ पे रह के लोगों को बिगाड़ देंगे। निकाल दो, हम नहीं रखना चाहते इन ऐसे लोगों को गांव में। फिकवा दीजिए। तो मीनाक्षी तुमने देखा सारे औरतों का निर्णय? तो मैं क्या कर सकती हूँ सरपंच जी, पर आप हमें गांव से मत निकालिए, ऐसा तो मत कीजिए। देखिए ये पंचायत यहाँ पे ये निर्णय लेता है कि हम लोग मीनाक्षी और उसके पति हेमराज को हमारे गांव से निकाल देंगे। देखिए आप ये सोच समझ के तो निर्णय ले रहे हैं ना। देखिए गांव के लोग बदल सकते हैं, आज ये बोलेंगे कल वो बोलेंगे। देखिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो भली औरत है, ऐसा पाप भी तो नहीं किया ना उसने, ऐसा कि आप उसे निकाल रहे हैं गांव से, ऐसा तो मत कीजिए। ये निर्णय पूरे पंचायत का है, तो ये भला हुआ कि आप कुछ मत बोले। रुक जाइए सरपंच जी, आप कौन है? मैं हूँ स्वीटी सेना, सनशाइन एनजीओ की तरफ से। आपका इधर क्या काम है? आप सुमित्रा देशमुख को तो जानते ही होंगे। सुमित्रा देशमुख? हाँ जानता हूँ ना, क्या हुआ? उनका चिट्ठी आपके नाम से है, ये लीजिए। पर इसमें क्या है?
देखिए सरपंच जी, मेरे मीनाक्षी के बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो मैं ये समस्या महिला समिति के प्रेसिडेंट के पास लेके गई थी, तो उन्होंने मेरा ये समस्या सुना और ये पत्र आपको लिखा है। अच्छा, आपके पंचायत के नियम को लेके हम सुमित्रा मैडम बहुत गंभीर है। इस सिलसिले में मैडम जी ने विभाग ने मंत्री से बात किया और ये लेटर आपके नाम पे लिखा हुआ है। क्या सुमित्रा जी ने मंत्री जी से बात किया? क्या इसमें क्या लिखा है? आपको ये सूचित किया जाता है कि आपके ये एक नियम के वजह से महिला कभी भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलते रहा, अगर आप इस नियम को जल्दी ही नहीं बदल पाएंगे तो हम आपको जल्दी ही बर्खास्त कर देंगे। और इस सिलसिले में हमने मंत्री जी से बात कर लिया है, तो आगे आपकी सोच। क्या मतलब मैं इस पद से हट जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सुनो सुनो सुनो, एक नया सूचना है। जो मैंने एक नियम बनाया था जिसमें औरतें या फिर स्त्रियां काम नहीं कर सकती, आज से मैं वो रूल तोड़ता हूँ। आज से स्त्रियां काम कर सकती हैं। ये क्या बात हुई? सरपंच पर आ पड़ी तो देखा, ऐसे कैसे कर सकते सरपंच जी? सरपंच जी, ये तो ठीक नहीं है ना। आप पहले नहीं कर रहे थे, अभी कैसे हाँ कर रहे हैं? भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरा सुन लिया। अब इस गांव में मैं काम कर सकती हूँ, मुझे नियम मिल गया। और स्वीटी जी कहाँ पे? मुझे उन्हें धन्यवाद बोलना है। कांग्रेचुलेशंस, आज से तुम काम जरूर करना, अच्छा हो गया। स्वीटी जी, ये तो बस आपके कारण हुआ है, आप बहुत अच्छी हैं। आपके वजह से ही मुझे आज न्याय मिल आया और मैं आज काम भी कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भगवान जी, थैंक यू सुनने के लिए। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे मैं तो पहले से ही बोल रही थी, इतना भी क्या बुरी है कि अगर लड़कियां कुछ काम करें। वैसे मैं भी थोड़ा अचार पापड़ का बिजनेस करना चाहती हूँ। ये तो वैसे ही है, मुझे तो पहले से ही पता था। मीनाक्षी, भगवान ने हमारा सुन लिया, ये चलो मीनाक्षी घर चलते हैं। हाँ हाँ चलिए चलिए, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडा ठंडा आइसक्रीम, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम, स्वीट स्वीट आइसक्रीम। अरे ये तो इमली और मानसी हैं। अरे आज तो इनकी मम्मी भी मना नहीं करेंगी। जैक्सन, दिस इज द ओनली स्टोर व्हिच आई वाज टेलिंग यू अबाउट। ओह रियली, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। वाओ, विलेज में बस एक ही औरत। अरे अरे, यहाँ तो और दो औरत है, ये भी काम कर रही है। वो बोर्ड देखो ना, नियम चेंज हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो चलो वो शॉप में जाते हैं। अरे अरे भाभी आप, और सर आप भी आए आइए। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मीनाक्षी। ओ मीनाक्षी, यू हैव अ गुड न्यूज। गुड न्यूज व्हाट? अरे अरे जाने दे, इसको हिंदी में बोलती हूँ। गुड न्यूज क्या क्या है? गुड न्यूज, गुड न्यूज ये है कि कल मैं जो वो पार्सल लेके गई थी ना तुम्हारे से, वो आइसक्रीम, वो मेरे पति ने भी चख के देखा और वो बड़े फूड डायरेक्टर है, उनका बिजनेस भी है एट मुंबई, तुम्हें तो पता ही होगा। क्या मुंबई? मीनाक्षी, अगर तुम चाहो तो हमारे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। जैक्सन के पास ना एक आइसक्रीम सेंटर फैक्ट्री है, जहाँ पे ना वुमेन्स का नीड है। तुम्हारे गांव से हम दो तीन वुमेन सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें से तुम हो। तुम बहुत अच्छा आइसक्रीम भी बनाती हो और बहुत माहिर भी हो। आई थिंक तुम हैंडमेड बनाती हो, है ना? हाँ हाँ मैडम, घर पे बनाती हूँ। एंड जैक्सन देखो ना, इतने छोटे मोटे टूल से बनाती है। Congratulations, ma'am. You're selected for our Mumbai ice cream factory. Thank you, sir. बाप रे, मुंबई, इतना बड़ा शहर, वहाँ पे काम करूँगी मैं। कितनी अच्छी बात है, सब कितना खुश हो जाऊंगे। हाँ हाँ, मैं करूँगी ना काम। तुम मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करना, एंड दिस इज माई नंबर, तुम मेरे से बात करना। एंड ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू लाइफ, बाय बाय। चलो मैं जाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने पति को बोलूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मुझे मेरे सपनों के लिए कैसे एक उड़ान मिल गया। अगर आप स्टार्टिंग से मेरा जर्नी देख रहे होगे, मेरे पास तो कुछ नहीं था, एक मशीन तक नहीं था। दूसरे से मशीन उधार लेके उससे मैंने कुछ किया, लाइक मैंने पहली बार ट्राई किया, तो मुझे तो कुछ आता भी नहीं था, तो इसका मोल क्या है? अरे सपने बड़े बड़े देखो और उसे पूरा भी करो। ओके, लिव, डाई विद मेमोरीज, नॉट विद ड्रीम्स। ओके फ्रेंड्स, अपने ड्रीम्स को हमेशा पूरा करो और एक मेमोरीज बनाओ। मैंने भी अपना ड्रीम को पूरा करके एक मेमोरी बनाया, देखा मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटी। ऐसे तो हमेशा ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, आप भी बिल्कुल नहीं डरना। ओके फ्रेंड्स, यही था मेरे स्टोरी का एंडिंग, मीनाक्षी का जज्बा।